नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। दोस्तों यहां पर हम पूछने जा रहे हैं आपको 30 MCQ क्वेश्चंस, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है एंशियंट हिस्ट्री से रहेंगे, झारखंड के प्राचीन इतिहास से। तो ये झारखंड के प्राचीन इतिहास में से जो सारे जो 30 MCQ क्वेश्चंस आपसे हम पूछेंगे, वो जो रहेंगे ये सभी प्राचीन झारखंड के नागवंश और जो है पलामू के रक्सेल वंश से, और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे रामगढ़ राज्य से रहेंगे, फिर कुछ रहेंगे सिंहभूम के सिंह वंश से रिलेटेड रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे पुराहाट राज से रहेंगे, और तो इन सभी क्वेश्चन जो सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो जैसे से CGL की तैयारी कर रहे हैं, JPSC की तैयारी कर रहे हैं, JTET की तैयारी कर रहे हैं, या दूसरे कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जो है अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि आप 30 में से कितने क्वेश्चन जो है सही कर रहे हैं। आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन के बाद 3 सेकंड का वक्त भी मिलेगा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं या फिर नहीं। तो 30 में से आप जितना भी सही करेंगे उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर के नागवंश की स्थापना किसने की थी? तो जो इसका सही आंसर होगा, चलिए 3 सेकंड का वक्त देते हैं, उसके बाद फिर आपको आंसर बताया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फणी मुकुट राय ने जो है छोटा नागपुर के नागवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, फणी मुकुट राय ने अपनी राजधानी किस जगह को बनाया? इनमें से किस जगह को जो है फणी मुकुट राय ने अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा सुतियांबे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन होगा, फणी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे में किस प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अनुमान लगाइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य मंदिर की स्थापना किए थे सुतियांबे में। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, 3 सेकंड का वक्त है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फणी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फणी मुकुट राय का दीवान कौन था? 4 ऑप्शन है और 3 सेकंड का वक्त देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पांडे भाऊराय श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप राय कौन से नंबर का नागवंशी राजा थे? उसका नंबर बताना है। 4 ऑप्शन है, 3 सेकंड का वक्त है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे नंबर का जो प्रताप राय नागवंशी राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंशी राजा प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर कहाँ स्थापित किया? 3 सेकंड का वक्त है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप राय ने अपनी राजधानी चुटिया किस नदी के तट पर स्थापित किया था? 4 ऑप्शन से, सही आंसर होगा सुवर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंशी राजा भीमकर्ण ने राजधानी परिवर्तन किया और उसे चुटिया से कहाँ ले गया? 3 सेकंड का वक्त है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुखरा ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीम कर्ण के जीवन की प्रसिद्ध युद्ध जिसमें वे विजय हुए, वो किस राजा के साथ लड़े थे? 4 ऑप्शन से, कहाँ के राजा थे वो? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्सेल राजा। इनमें से किस चीज का निर्माण भीम कर्ण ने करवाया था? 4 ऑप्शन से, 3 सेकंड का वक्त है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीम सागर। आपको लग रहा था होगा कि भीम सागर हो सकता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के चलते हैं। नागवंशी राजा ने किस जगह पर नवरत्न नामक एक पंचमंजिला भवन का निर्माण करवाया था? 4 ऑप्शन से, 3 सेकंड का वक्त देते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोईसा में। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंशी राजाओं की राजधानी का क्रम किस प्रकार था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ध्यानपूर्वक देखें और आपको राजधानी का
क्रम बताना है, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले सुतियांबे, दूसरा में चुटिया, तीसरा में खुखरा, उसके बाद डोईसा, उसका पालकोट, उसका लास्ट में आता है रातुगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वंश का आधिपत्य पलामू के क्षेत्र में था? ये चार ऑप्शंस में से ही आपको बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्सेल वंश का अधिपत जो है पलामू के क्षेत्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू के रक्सेल वंश के समय सबसे अधिक संख्या किस जनजाति की थी? चार ऑप्शन से 3 सेकंड का वक्त देते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है खरवारों की थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सिंहभूम के सिंह वंश के पहले शाखा के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन है, 3 सेकंड का वक्त है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काशीनाथ सिंह, सिंहभूम के सिंह वंश के पहले शाखा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम के सिंह वंश के दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन है, सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर होगा दर्प नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहभूम के राजा काशीराम के समय राजधानी कहाँ थी? चार ऑप्शन से, तो सही आंसर होगा पुराहाट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहभूम के दूसरी शाखा के चौथे शासक कौन थे? चार ऑप्शन से, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अच्युत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? चार ऑप्शन से, 3 सेकंड का वक्त है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किसने किया था? चलिए चार ऑप्शन से, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बागदेव सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ राज्य के राजा बागदेव सिंह एवं उसके भाई सिंहदेव ने पहली राजधानी किसे बनाया था? चार ऑप्शन से, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिसिया को। रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी सिसिया थी, याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ के सिंह वंश, यहाँ होगा सिंह वंश के तेज सिंह ने अपने शासन का संचालन किस जगह से कहाँ से किया था? चार ऑप्शन से, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इचाक से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने किया था? चलिए अनुमान लगाइए, चार ऑप्शन से आपके सामने, 3 सेकंड का वक्त है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगवत राय। सिंहभूम के धालबुम क्षेत्र में ढाल राजाओं का शासन था, ढाल राजा संभवतः किस जाति के थे? चार ऑप्शन से, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धोबी जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़गडीहा राज्य रामगढ़ राज्य से किस दिशा में स्थित है? खड़गडीहा जो राज्य था वो रामगढ़ राज्य से किस दिशा में स्थित था? आपको दिशा बताना है। चार ऑप्शन से, दक्षिण पूर्व, उत्तर, उत्तरी पूर्व, दक्षिणी पश्चिम या उत्तरी पश्चिम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़ राज्य से उत्तरी पूर्वी हिस्से में जो था वो खड़गडीहा राज्य था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़गडीहा राज्य की स्थापना 15वीं सदी में किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा हंसराज देव ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य की राजधानियों का क्रम क्या था? सबसे पहला में उर्दा सिसई, बादाम रामगढ़, इचाक पद्मा, दूसरा में है सिसिया रामगढ़, पद्मा रामगढ़, उर्दा, तीसरा में उर्दा सिसई, बादाम रामगढ़, पद्मा इचाक, और चौथा में उर्दा सिसई, रामगढ़, बादाम,
उसके बाद पद्मा, उसके बाद इचाक। तो कौन सा सही क्रम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले उड़दा से, फिर बादाम, फिर रामगढ़, फिर इचाक और लास्ट में पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पलामू के रक्षल वंश के बाद किनका शासन रहा? चार ऑप्शन है। सबसे पहला नागवंशी, दूसरा में चेरो, तीसरा में सिंह वंश, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा चेरों का शासन था रक्षल के बाद, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। वीडियो को लाइक करते जाइए, हमारे चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, और आज का आखिरी प्रश्न है आप लोगों के लिए कि रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी उड़दास से हटाकर कहाँ स्थापित किया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, अनुमान लगाइए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बादाम में स्थापित किया था राजा हेमंत सिंह ने। तो आपको कैसे लगी ये वीडियो, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और लाइक कीजिएगा हमारे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे इस चैनल को, दूसरे व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जोहार, झारखंड, जय हिंद।